हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेम विच यू एंजॉय द मोस्ट, द गेम ऑफ अल्कोहल्स। आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। आज हम एक नहीं दो दो नगीने चुन चुन के लाए हैं। एक एक चुन 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 के लाए हैं और दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग रिव्यूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। ये दोनों पहली बार आए हैं और ये दोनों ही प्रोडक्ट्स हम लाए थे कहाँ से? यूपी हापुड़ से। ठंडी होगी तो स्वाद नहीं आएगा, जल्दी करो। और इधर मैं पांडा पोर कर रहा हूँ। इसको पांडा मतलब फुद्दू बनाया जा सकता है। ये तो काफी के मजा आया, टेस्ट आया, क्रैक। टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज हिल्सबर्ग वाइन कूलर। ये आता है सोलन फूड प्रोडक्ट से। सोलन जैसे कि आप जानते ही हैं, हिमाचल प्रदेश से। ये एक वाइन कूलर है विच इज बेस्ड ऑन एप्पल। इसके अंदर एक डाउनसाइड है कि इसके अंदर ENA है, लेकिन इसका जो ABV है दैट इज 15%। ये तो काफी मतलब हल्का सा टेस्ट स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए इसका। आइडियली यस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे ही हमने ब्रो कोड का भी रिव्यू किया था। वो शुगर बेस्ड थी और थोड़ी ट्रिपी थी। अगर आप उसका भी रिव्यू देखना चाहो तो हमारे चैनल पे उसको भी चेक कर सकते हो, ब्रो कोड डालकर। और उसके अंदर डेफिनेटली यूथ को काफी पसंद थी, ये बात हमने तब भी की थी। और काफी हिट भी है वो। हाँ, काफी हिट प्रोडक्ट है। शुगर ठीक है उसमें थी, एक डाउनसाइड है, बट ठीक है। मतलब एज अ प्रोडक्ट यू हैव टू सी, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसका टेस्ट अच्छा है तो व्हाई नॉट। यंगस्टर ने काफी एंजॉय किया है उसको। काफी एंजॉय किया था, नो डाउट। अगर हम इसके बॉटल की बात करें, एक टिपिकल वाइन कूलर की जो बॉटल होती है वैसी है। लेबल की क्वालिटी काफी अच्छी है। बड़ा बड़ा यहाँ लिखा है 15 एंड विच ऑब्वियसली स्टेट्स इसका जो ABV है। दिस इज अ 330 ml बॉटल। और इसके अगर हम प्राइस की बात करें, इसका जो प्राइस है दैट इज 160 rupees इन उत्तर प्रदेश। चलते हैं आज के हमारे सेकेंड प्लेयर पर। आज जो दूसरा हमारा प्लेयर है उसका नाम ही इतना मस्त है कि हंसी निकल रही है मेरी। टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज डिस्को पांडा हॉपी मैजिक। ये आता है गोवा से। हाँ, ये आपका गोवा से, ये आपका पहाड़ों से। तो एक है आपका बीचेस का राजा और एक है आपकी पहाड़ों की रानी। डिस्को पांडा कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ WOB, वर्ल्ड ऑफ ब्रांड, ग्रेट इंडियन जिन। इनका एक काफी फेमस प्रोडक्ट है। बाय द वे, ये जो प्रोडक्ट है ये गोवा में और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफी फेमस है। और जो ग्रेट इंडियन जिन है वो काफी सारे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। वो वेरिएंट्स में आती है। उसका जो आई थिंक ऑरेंज बेस्ड फ्लेवर है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। बट क्योंकि अब गोवा अभी हम गए नहीं है रिसेंटली, तो हमें एक्सेस मिला नहीं है उसको रिव्यू करने का। खैर, ये जो हमारा पांडा है ना, इसकी USP ये है कि ये सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। जिस तरह ये मतलब बनी है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये काफी काफी ना क्राफ्ट बियर के काफी क्लोज है। हाँ, और आई थिंक इसकी पैकेजिंग पे भी ये मेंशन्ड है स्ट्रॉन्ग क्राफ्ट ABV, जैसे आप देख सकते हैं कि ये 15 है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें, ये भी हम उत्तर प्रदेश से लाए थे, हापुड़ से। आप कहोगे मासी के घर गए थे कि शराब लेने गए थे, लेकिन हम गए तो मासी के घर थे, ये मिल गई हमें। तो बेसिकली इसका जो प्राइस है दैट इज 150 rupees। इसका था 160, राइट? उसका 130 ml। एक चीज और कहना चाहूंगा, हम जहां भी कहीं भी जाएं, एक दिल्ली से बाहर होते हैं तो हम पहले वाइन शॉप ढूंढते हैं, उसमें नए नए प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, अगर हमें मिलते हैं तो तब हम आते हैं। और ये आपके लिए करते हैं हम। क्या बात, ये बात है। और बॉटल की इसकी हमने बात करी ली है, सिमिलर डिजाइन है, दोनों ब्राउन बॉटल्स हैं। तो अब सीधा चलते हैं पोरिंग पर और देखते हैं क्या खास है। अरे अरे भैया, नहीं नहीं, ये इसका बेटा वो है, वो तुमसे ना हो पाएगा। आप भी कैसे खोल रहे हो, मैं खोल देता हूँ। अरे बिना पीए चढ़ गई, सॉरी गाइस। अब पहले पोर कर लेते हैं, पोर कर लेते हैं हिल्सबर्ग। और इधर मैं पांडा पोर कर रहा हूँ। डिस्को पांडा, डिस्को पांडा, डिस्को एडू नहीं। और फ्रोथ तो जबरदस्त थी इसकी। भाई इसमें फ्रोथ कम बनी है, उसमें ज्यादा बनी है। मगर हिल्सबर्ग एप्पल बेस्ड है, इसका तो कलर ही बड़ा प्यारा है यार। हाँ, इसका कलर बड़ा अच्छा है, येलोइश टिंट है और गोल्ड कलर टच है, येलो ज्यादा है। देखो इसके अगर कलर की बात करूं तो थोड़ा रोज गोल्ड टाइप है, पिंकिश। ये ऊपर से डार्क है, नीचे से लाइट है। कार्बोनेशन दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल है, इक्वल। अब नोज पे चेक करते हैं। भाई ये तो ऐसे लग रहा है जैसे एप्पल। बिल्कुल स्वीट, एप्पल बेस्ड है ना ये? एप्पल बेस्ड है नो डाउट। और
थोड़ी सी, अब एप्पल है तो फ्रूटी तो ऑब्वियसली ये है, मुझे लग रहा है कि अगर ये 15% ABV है तो ये थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है, बाकी देखते हैं कि कैसे निकलती है। अब मैं चलता हूँ नोजिंग पे अपने डिस्को पांडा। डिस्को पांडा नाम ही बड़ा मस्त है यार भाई, नोज पे बहुत अच्छी लग रही है। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे एपी है और थोड़े से परफ्यूमी नोट्स भी अभी अभी फील हो रहा है यार। इसका ना ऐसे लग रहा है कोई जर्मन क्राफ्ट बियर, कोई अच्छी क्राफ्ट बियर, यूरोपियन क्राफ्ट बियर वैसा इसका नोज पे सेंस आ रहा है। हॉप्स पता चल रहे हैं, हल्की सी, आई एम नॉट एबल टू गेट इट, बड़ी स्वीट है ये भी नोज पे ना, हॉप्स का फ्लेवर है, मतलब नोज पे सेंस आ रहा है और स्वीट है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे 0.0 नॉन अल्कोहलिक बियर है ना, कूलबर्ग वाली, उस टाइप का कुछ टेस्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी भाई कड़वी होने वाली है। अब अपनी परंपरा के अनुसार चलते हैं टेस्टिंग के लिए फादर साहब के पास। पहले हो रही है हिलबर्ग की। आज मैं कोई कलर नहीं बताऊंगा क्योंकि कलर हम दोनों पहले बता चुके हैं, टेस्टिंग देखते हैं। यार ये तो बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, तो पर अब अपना रूल नहीं तोड़ेंगे फादर साहब। बहुत बहुत फ्रूटी है, मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एप्पी पीते हो। अच्छा वैसे ही एप्पल का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। फ्रूटी है, थोड़ी स्वीट है, स्वीट ओके। कोई मतलब पैलेट पे कुछ कुछ भी ऐसा फील नहीं होना जैसे आप एप्पी वगैरह पीते हो, ऐसा ही फ्लेवर। अल्कोहलिक नहीं लग रही, अल्कोहलिक नहीं लग रही, मतलब फुद्दू बनाया जा सकता है किसी को भी। डार्क बेरीज का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। अच्छा मतलब अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है, बहुत मतलब मस्त टेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें ईएनए है, तो देखो ब्रो कोड में भी ऐसे ही था, उसमें थोड़ी टिपी थी, वो ट्रिपी थी थोड़ी। हाँ अब इसका पीने के बाद ही पता चल पाएगा ये कितनी है। जब तक हम ये दोनों पी रहे हैं और इसका अगर लॉन्ग टर्म रिव्यू, यानी कि कल सुबह हमारे साथ क्या हुआ, अगर वो जानना है तो आप इंस्टाग्राम पे हट सकते हो, हम वहाँ डाल देंगे। अब इसको हम हटाते हैं, अब बारी है हमारे डिस्को पांडा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सिट्रसी फील हो रही है, दूसरी चीज और जितनी अल्कोहल की इसमें परसेंटेज है वो एक पॉइंट भी मेरे को फील नहीं हुआ, मतलब दोनों ही केसेस में ये चीज कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ी सिट्रसी है, वो फ्रूटी ज्यादा है। अच्छा वो फ्रूटी ज्यादा थी, ठीक है। मेरे को कोरिएंडर का थोड़ा सा फ्लेवर इसमें फील हो रहा है इसमें। ओके अगर कहूं तो मैं इसमें, मेरे को जिस हिसाब से अल्कोहल है परसेंटेज, वो बिल्कुल भी मतलब फील नहीं हो रहा, बिल्कुल भी ना ही मेरे को इंटेक्ट पे कोई फील हुआ है। वो ऐसे ही आ रहा है जैसे कि हम कोई समझ लो मॉकटेल पी रहे हैं। हॉपिनेस तो मेरे को ज्यादा फील नहीं हुई, ठीक है। और अगर आपको कि ये बियर वाली की फील आ जाए, हाँ मतलब क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग लिखा है इन्होंने, हाँ, और इन्होंने कहीं स्ट्रॉन्ग वाला फील कहीं भी नहीं है, इन्होंने क्लैरिटी भी नहीं दी। हॉपिनेस इन्होंने लिखा है हॉपी मैजिक के, बियर है, वाइन कूलर है। अब हालांकि जिस कैटेगरी में है ये क्राफ्ट बियर की तरफ भी जा सकती है, बिल्कुल। और आई थिंक लिखे हुए के हिसाब से तो वो क्राफ्ट बियर की तरफ जा रहा है, मगर मेरे को मॉकटेल वाला फील आ रहा है इसमें, ठीक है। बियर वाला कोई फील नहीं है इसमें, कोई कोई फील ना, ना ना ना। तो अब अगर बात करें हम ओवरऑल एक्सपीरियंस की, भाई दोनों एक चीज कॉमन है कि दोनों इजी है, फ्रेंडली है, बिल्कुल दोनों फ्रेंडली है 100%। लेकिन एक चीज इन दोनों को पी के कोई ऐसे वार्म फीलिंग नहीं, नहीं नहीं ऐसा दोनों में कोई इशू नहीं है। तो हमारी जो फीमेल ऑडियंस है उनके लिए भी, उनके लिए तो बहुत ही मतलब मस्त है। अब अगर बात करें रेटिंग की, रेटिंग की बात से पहले मैं संचय जी एक बात कहना चाहूंगा जी, के एक चीज मैं पंकज उदास का वो एक गजल है कहना चाहूंगा कि कोई भी इसको पीने से पहले ये गाना जरूर ध्यान रखे, मजा लेना है पीने का साकी तो कम कम धीरे धीरे पी, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा जो है ना 15% है दोनों में, तो सोच समझ कर पीनी है। ये नहीं कि मजा आया टेस्ट आया
क्लच, एक ली दूसरी ली तीसरी ली, वो काम नहीं करना, तो ये असर बहुत करेगा। अब अगर हम रेटिंग की बात करें, ब्रो कोड को हमने दी थी 8.5, अच्छा प्रोडक्ट था नो डाउट। अब अगर हम रेटिंग की बात करें हिल्सबर्ग को, हिल्सबर्ग को मैं 8.6 दूं, मतलब ये ब्रो कोड को इजीली बीट कर गई, कर गई है, वाह, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि एक बिल्कुल नया प्लेयर है और सोलन से है, कंपनी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर अवेलेबिलिटी की आएगी, क्योंकि ये देखो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हर जगह नहीं मिलते, नहीं मिलते, और डिस्को पांडा की डिस्ट्रीब्यूशन इससे बेटर है, हाँ अवेलेबिलिटी ज्यादा है। उसकी रेटिंग की अगर हम बात करें तो क्या रेटिंग देना चाहेंगे? उसको मैं 8.9 दूंगा। अच्छा जी, मतलब ब्रो कोड से बेटर ये, जो इससे बेटर ये, जो स्ट्रांग बियर पीते हैं उनके लिए तो बेस्ट है ना, बियर का फ्लेवर है, एक मॉकटेल का फ्लेवर है, आप एंजॉय करो, और धीरे धीरे मैंने पहले ही कहा है, जल्दी में ये नहीं कि इसको पी और दूसरा पैक लगा, तो, दूसरी बॉटल खोल ली। तो आज हमारे पास दोनों नगीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये आप नो डाउट प्लस भी देख सकते हैं, और ये हमारा बाय द वे ओपनर जो हम यूज कर रहे थे। चलो अब फिर मिलेंगे हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के एक साथ। चीज और मैं कहना चाहूंगा, हमारे सब्सक्राइबर फैमिली हमारी, इसको खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको खूब एंजॉय करें, हाँ, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि देखो नए प्रोडक्ट पे रिव्यूज कम मिलते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता प्रोडक्ट्स के बारे में, पता नहीं होता, और हमारा चैनल तो इसीलिए फेमस हुआ है कि हम नए नए प्लेयर्स लाते हैं। बिल्कुल, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ट्राई करें और एंजॉय करें। रिमेंबर, ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास बट द क्लास, पीना भी एक कला है। टिल देन, चीयर्स।